हेलो फ्रेंड्स, आरती किचन सेवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट दही बड़ा। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बने हैं। तो कुछ टिप्स को फॉलो करके आप भी रुई जैसे सॉफ्ट दही बड़े बना सकते हैं। तो आज हम वीडियो में कुछ खास टिप्स बताएंगे जिससे हमारे दही बड़ा एकदम रुई जैसे सॉफ्ट और मुँह में तुरंत घुलने वाले बनेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दही बड़े बनाने के लिए हमने दाल को रात भर पानी में भिगोकर छोड़ दिया था और सुबह अच्छे से फूलकर सॉफ्ट हो गई है और हमने 3-4 बार पानी से अच्छे से धुलकर इसके छिलके को निकाल दिया है। अब हम सिलबट्टे पर थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। सिलबट्टे से पीसने पर हमारी दाल जो है बहुत ही अच्छे से पीस जाती है और गीली नहीं होती है। मिक्सर में पीसने से थोड़ा गीली हो जाती है और बड़े बनाने में परेशानी होती है, तो सिलबट्टे पर अच्छे से पीस जाती है। अगर आप मिक्सी में पीस रहे हैं तो पानी थोड़ा कम डालें, तभी हम बड़े का जो है शेप बना पाएंगे। तो अच्छे से हम दाल को पीस लेते हैं। तो हम दही बड़े थोड़े ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं इसलिए दाल ज़्यादा भिगोए थे। आप अपनी फैमिली के हिसाब से दाल भिगोएं। दाल भिगने के बाद इसकी क्वांटिटी थोड़ा बढ़ जाती है, तो सभी दाल को हम अच्छे से पीस लेते हैं। तो सारी दाल हमने पीस ली है, अब इसे एक भगोने में रख लेंगे। तो सारे पीसे हुए बैटर को हमने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है, उसमें डाल दिया है 1 चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हींग और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। तो अच्छे से सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो हम हाथों से ही अच्छे से इसे फेंट लेते हैं जब तक कि एकदम मुलायम सॉफ्ट ना हो जाए। तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ऐसे ही गोल गोल आपको भी हाथ से फेंटना है, तभी हमारे दही बड़े जो है एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो 2-3 मिनट तक हम इसे लगातार ऐसे ही फेंट लेंगे। तो सारे बैटर को हमने अच्छे से फेंट लिया है और अब हम इसे एक कटोरी में पानी लेंगे, थोड़ा सा बैटर डालकर देखेंगे। अगर वो तैर कर ऊपर आ रहा है तो हमारा बैटर परफेक्ट है। तो कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालकर रख दिया है गैस पर गर्म होने के लिए। अब हमने जो दाल का बैटर बनाया है थोड़ा थोड़ा हाथों में लेंगे। हाथों में पहले पानी लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर बीच से होल कर लेंगे जिससे अंदर तक अच्छे से पक सके, और कढ़ाई में डालते जाएंगे। तो ऑयल को अच्छे से गर्म करके गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया है और इसी तरह से हम अपने सारे बड़े जो है पानी लगा कर बनाते हुए और कढ़ाई में डालते जाएंगे। तो 4-5 बड़े हमने बना लिए हैं और इनको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, लो फ्लेम पर पकाए हैं हमने। तो इनको पलट देते हैं जो हमने पहले बड़े बनाए हैं। तो ये 2 बड़े बाद में बनाए थे तो इनको थोड़ा सा 1 मिनट और पका लेते हैं, उसके बाद पलट देते हैं। तो गोल्डन ब्राउन होने तक हम बड़ों को अच्छे से पका लेंगे। तो 4-5 मिनट बाद हमारे बड़े जो है गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो सभी बड़ों को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से फिर से बड़े बनाकर डाल देंगे ऑयल में। तो दूसरी बार भी हमने अपने बड़े अच्छे से बनाकर कढ़ाई में डाल दिए हैं, अब इनको भी हम पकने देते हैं। तब तक के लिए हम बड़ों के लिए पानी बना लेते हैं। तो एक भगोने में हमने पानी रख दिया है हल्का सा गुनगुना होने के लिए, उसमें डाल दिए हैं थोड़ा सा हींग और काला नमक। तो इसी पानी में हमने जो बड़े बनाए हैं उन्हें हमें डिप करना है। तो ये वाले बड़े भी अच्छे से एक तरफ से फ्राई हो गए हैं तो दूसरी तरफ हम पलट देते हैं। तो थोड़ी देर में हमारे बड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो इन्हें भी हम एक थाली में निकाल लेते हैं। तो पानी बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है, तो हमें ज़्यादा पानी गर्म नहीं करना था लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, आप हल्का सा गुनगुना ही करें। तो सभी बड़े हम अपने कढ़ाई से निकाल कर इसमें डाल देंगे और 1-2 मिनट तक रखेंगे।
तो बाकी के बचे हुए बड़े भी हम बना लेते हैं। तो ये थोड़ा गोल शेप में हम बना रहे हैं, तो जो बैटर बचा हुआ था हम उसे भी बना लेते हैं। तो इधर दही को भी हम अच्छे से फेंट लेते हैं। तो कढ़ाई से निकाल कर डायरेक्ट हमें दही में बड़े नहीं डालने हैं, पहले हींग और नमक वाले पानी में डालने हैं। एक दो मिनट तक वेट करना है, उसके बाद उन्हें हाथों से निचोड़ कर दही में डालने हैं। तो ये बड़े जो हमने कढ़ाई में डाले थे इनको भी पलट देते हैं। तो जो बड़े हमने पानी में डाले थे वो अच्छे से फूल चुके हैं और उनको हाथों से अच्छे से निचोड़ निचोड़ कर हम दही में डालते जाएंगे। तो हमारा पानी थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया था इसलिए हाथ थोड़ा जल रहे हैं। अगर आप पानी गुनगुना रखेंगे तो हमारे हाथ नहीं जलेंगे। तो ऐसे ही हम अपने बड़े डिप करते जाएंगे और फूलने के बाद निचोड़ कर दही में डालते जाएंगे। इससे हमारे दही बड़े जो है एकदम सॉफ्ट रुई जैसे बनेंगे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो ये गोल वाले दही बड़े भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो हम इनको भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इनको भी पानी में डाल देंगे और साथ ही में दही में डाल भी देंगे। तो बाकी के बचे हुए हम दही बड़े जो हैं उनको भी हाथों से निचोड़ निचोड़ कर दही में डाल देंगे और चम्मच से नीचे की तरफ दबा देंगे ताकि दही अच्छे से सोख ले। तो अब हम दही बड़े में तड़का लगाएंगे। तो लाल मिर्च, जीरा और थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिए हैं। सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और तड़के को डाल दिया है ऑयल में और अच्छे से भुनने के बाद तड़का लगा देंगे और ढककर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो बस हमारे दही बड़े जो है सर्व करने के लिए रेडी हैं। तो एक प्लेट में हम आपको सर्व करके दिखा दे रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं, आप लोग ट्राई करिएगा एक बार और आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो एक प्लेट में हमने दही बड़े सर्व कर लिए हैं, आपको जितना दही पसंद है आप डाल सकते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं मिक्स मसाला। तो इस मसाले को बनाने के लिए हमने जीरा, धनिया, लाल मिर्च को भूनकर नमक मिलाकर पीस लिया है, उसके बाद ये मसाला बनकर तैयार हुआ है। तो ये दही बड़े में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आपको हम दूसरी प्लेट भी लगाकर दिखा दे रहे हैं। तो दही बड़े के ऊपर हमने डाला है धनिया, पुदीने, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन की चटनी, इससे बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। तो अगर आपको प्याज पसंद है तो आप थोड़ा सा बारीक काट करके प्याज भी डाल सकते हैं। ऊपर से हमने वही मिक्स मसाला हल्का सा डाल दिया है। तो हमारे दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनकर तैयार हो गए हैं सर्व करने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।